हाँ जी दोस्तों, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है तो अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, नाश्ता करके उसके बाद फिर आपसे लगा दूँगी तो चलते हैं। सुबह भी तकरीबन मैं सोया रहा, दोपहर को भी सोया रहा और अब जाके शाम को मैं उठाऊँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ैन मसूद और आप लोग देख रहे हैं YouTube चैनल सैद के व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू दोस्तों। आज ईद का दूसरा दिन है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह भी तकरीबन मैं सोया रहा, दोपहर को भी सोया रहा और अब जाके शाम को मैं उठाऊँ। तो ये देखिए जी, शाम का टाइम हो चुका है, सूरज ग़ुरूब हो चुका है। अभी कुछ देर बाद मगरिब की अजानें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने अपने सारे जो परिंदों होगा ना खिला पिला दिया है बेबी शाम को। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, गुलाब की बूटियाँ जो उगाया था नीचे वहाँ पे उधर सारे वो सारे ख़राब हो गई हैं क्योंकि उनको पानी ज़्यादा नहीं मिलता रहा है, जिसकी वजह से जो है ना ख़राब हो गए हैं। तो चलते हैं जी दोस्तों नीचे, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैं अब नीचे आ गया हूँ, 5-10 मिनट बाद मगरिब की अजान स्टार्ट हो जाएगी तो मैं वज़ू करूँगा अभी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। फिर मुलाकात होगी सुबह, क्योंकि रात को मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाता, सुबह से लेकर शाम तक व्लॉग बनाता हूँ और रात को एडिटिंग करता हूँ। तो बस कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ, सुबह के 8 का टाइम हो चुका है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं उठाऊँ और आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन मैं व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि सारा दिन सोया रहा, सुस्ती हो गई पड़ी थी मुझे सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक सोया रहा। तो अब मैं उठाऊँ, ईद का तीसरा दिन है और नहाना भी है मुझे और तैयारी भी करनी है, ड्रेस भी चेंज करना है। चलते हैं जी, और अभी मैं जा रहा हूँ चने और दही लेने। चने और दही लेने मैं नहीं जा रहा क्योंकि दही तो आई पड़ी है, चने भी आए पड़े हैं और कह रहे थे कि चने थोड़े हैं और ले आओ। मैंने कहा गुजारा हो जाएगा, पूरे कर लेंगे, आप पूरे करें और अगर मेरा ऐसा नहीं बचता तो कोई बात नहीं है, मैं दही के अंदर चीनी डाल के मैं खा लूँगा। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी भी मैं जा रहा हूँ अपने परिंदों को खिलाने। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगा, फिर ड्रेस चेंज करके फिर मैं खुद नाश्ता करूँगा। तो चलते हैं जी, इधर चावल बचे पड़े थे काफ़ी सारे रात वाले चावल, तो ये चावल जो है ना मैं अपने सारे परिंदों को खिला दूँगा, आराम सुकून से खा लेंगे, पेट भर जाएगा। ये देखें जी, मैं अभी छत पर आ चुका हूँ और छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, गर्मी इतनी नहीं है। रोज़े में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, अब जो है ना गर्मी अगर लगेगी भी तो मैं जाकर पानी पी लूँगा और फ्रेश हो जाऊँगा, तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। तो मैं अभी इनको खोल लेता हूँ। ये दो बच्चे जो हैं लाहौर से आए हैं शयान के लिए गिफ्ट, देखिए ये माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं, ये है एक वो है मेरे भतीजे को, उसके नाना मुझे ने गिफ्ट दिया है लाहौर से आए हैं। हर व्लॉग में जो है ना मैं आपको उनका पानी वगैरह चेंज करना नहीं दिखाया करूँगा, फिर आप लोग कहेंगे कि डेली एक चीज़ ना दिखाया करें, फिर आप भी बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं कभी कभार जो है ना इनका पानी वगैरह चेंज करना दिखा दिया करूँगा। तो बाकी मैं अभी जो इनका पानी वगैरह चेंज कर देता हूँ, इनको खिला पिला के, जो मैंने ये जो मैं चावल लेकर आया था ऊपर छत पर, ये मैं सारे को खिला देता हूँ, खरगोशों को, कबूतरों को और चूज़ों को और असली मुर्गों को, बाकी जो है ना तोतों को तो मैंने खिला दिया। तो बस इनको खिला पिला के फिर मैं जाता हूँ नीचे और तैयारी भी करनी है, नहाना भी है मुझे। मैंने अपने परिंदों को खिला पिला दिया है, इनको मतलब चावल दे दिया है, तो बस अभी भी मैं जा रहा हूँ नीचे। नीचे जाकर नहाता हूँ, नहा के फिर ड्रेस चेंज करके उसके बाद ही नाश्ता करता हूँ। तो चलता है जी, तो इसको जो है ना मैं उठा के तोतों को खिला देता हूँ, ऐसे सारे हो रहा है तो चलो किसी के पेट में तो चला जाए। मिठू, मैंने इधर भी उसको डाल दिया है, अब ये तोते खा रहा है,
ये ड्रेस पहनूंगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, उसके बाद आऊँगा ड्रेस चेंज करूँगा, फिर नाश्ता करूँगा, तो चलते हैं नहाने। मैं अभी नहा कर आ गया हूँ, तो अब ड्रेस चेंज करता हूँ, ड्रेस चेंज करके फिर नाश्ता करना है। हाँ जी दोस्तों, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, नाश्ता करके उसके बाद फिर आपसे लगा दूँगी, तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार चने हैं, तो मैं अभी नाश्ता कर लूँ, नाश्ते के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। मैंने नाश्ता कर लिया है, तो अब मैं आ चुका हूँ छत पे, और यह है जी बोरी। मुझे ना ये खरगोश ने जो है ना पकड़ कर किसी को देना था, ये वाली खरगोश ने मुझे पकड़ कर किसी को देना था, तो अभी जल्दी जल्दी से मैं खरगोश को उसके अंदर पकड़ लूँ, फिर जाकर ले जाते हैं। ये देखें जी, मैं खरगोश को मैंने पकड़ लिया है, इस बोरी के अंदर मैं डाल देता हूँ। मैंने खरगोशनी को पकड़ के दे दिया उनको, तो अब घर लेके चले गए हैं, तो अब जो मेरे पास पड़े हैं दो खरगोशनियाँ और दो बच्चे, दो खरगोशनियों को मैं आज शाम को या कल को उसको हलाल कराऊंगा, तो लंच करूंगा, तो चलते हैं और देखते हैं कि आज लंच में क्या है। लंच में जो है ना कीमा है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं अपना लंच करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये कीमा है, तो मेरा फेवरेट है, और किस किस को ये कीमा अच्छा लगता है कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये कैसा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है कीमा। जो बहुत ही खरगोश बैठे हैं, डरे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ नीचे लेकर आया हूँ ना, छत पर थे ना, अभी नीचे लेकर आया था किसी को दिखाने के लिए, तो अभी मैं खाना खा के फिर इनको ऊपर छोड़ाऊँगा। अभी ये देखें डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी खाना खा के कुछ देर बाद आपसे फिर बात करता हूँ, ठीक है? ओके जी दोस्तों, मैंने खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने पेट भर चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, थोड़ा सा रेस्ट करने, तो चलते हैं जी। और व्लॉग को भी एडिट करना है, व्लॉग को एडिट करके उसके बाद जो है ना असर की नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा, तो असर की नमाज़ पढ़ने जाऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगा थोड़ा सा रेस्ट करने। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है, देखें यहाँ से जो है ना ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। चलते हैं जी, अभी फ़िलहाल सोता हूँ मैं, रेस्ट करता हूँ। अभी मैं उठा हूँ, टाइम हो चुका है 5 का, तो मैं जा रहा हूँ असर की नमाज़ पढ़ने। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं कितनी ज़्यादा गर्मी आजकल क्यों हो रही है, पंखे की हवा भी नहीं लग रही, तो मैं अभी जा रहा हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद फिर देखना है क्या काम करना है। चलते हैं, असर की नमाज़ पढ़ लिया है, तो अभी मैं छत पर आया हुआ हूँ, अपने परिंदों को खिला पिला दिया है, तो इनको मैं अभी बंद करके नीचे चला जाऊंगा, फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। तो बस उम्मीद करता हूं आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।